स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करा था और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसके हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में देखना है तो आप प्लीज़ मेरी इससे पहले की वीडियोस जरूर देख लें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या है, ठीक है ना। तो आप इस फिर आगे इसको आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले जो कॉस एक्स है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें पता ही है ये कॉसेक एक्स जो होता है वो होता है 1/sin के, ठीक है ना। तो साइन एक्स हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से जो है हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लिया हमने कॉसेक को, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें पता ही है कि साइन 1/2 जो है वो कितना होता है, वो 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम ये माइनस का निशान हाइड कर दें तो साइन जो है 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो अब एक काम करेंगे हम, जो एक क्वाड्रेंट बनाएंगे हम, और क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव जो है हाफ, ये 30 डिग्री है, तो हमें एक तो पता लग गया कि ये 30 डिग्री में पॉजिटिव होता है, तो हम एक 30 डिग्री का एंगल पॉजिटिव साइड बना लेते हैं, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें देखना है कि माइनस हाफ, -1/2, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से में होता है, एक तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होते हैं साइन, ये दो क्वाड्रेंट में साइन जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हमें इन दो क्वाड्रेंट में जो है 30 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। अच्छा, इसमें हम करते गए हैं कि जो एंगल प्लॉट करते हैं वो एक्स एक्सिस को जो है बेस लेके करते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लेंगे बेस बना के, तो ये हमारा ये वाला एंगल बन जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये, यानी के पाई -30 डिग्री, 180 डिग्री -30 डिग्री। तो इसको हम लिखते हैं साइन 180 डिग्री -30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में हमारा हो जाएगा साइन पाई -π/6। सॉरी, ये नीचे आ रहा है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 180 तो डिग्री तो यहाँ तक है और हमारा एंगल ये है, तो 180 डिग्री +30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 210 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है ना। और इसको पाई की रेडियन की टर्म में लिखना चाहें तो पाई +π/6 इज इक्वल टू -1/2, और ये हमारा हो जाएगा साइन 6 π+π इज इक्वल टू -1/2, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 7π/6। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई 7π/6, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस को बेस लेकर सेम 30 डिग्री का एंगल इधर बना लेते हैं, और
इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम करेंगे तो ये 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड उसके लिए साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो यानी कि ये कितना एंगल हो गया, ये 330 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसको अगर हम रेडियन की टर्म्स में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे साइन 360 होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इसको हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेके 6 6 2 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये हमारा हो जाएगा साइन 11 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी कि सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 11 पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ये इस तरह से वैल्यू निकाल ली। दो अच्छा, अब हमें जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू निकालनी है। तो जनरल सॉल्यूशन में हमें पता है कि जो एंगल थीटा है या एंगल वाई है वो जो है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों वैल्यू हमारी इसमें नहीं आ रही हैं, इन दोनों उसमें नहीं आ रही हैं। तो इसको क्या करते हैं फिर, हम इसको हम 330 डिग्री जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस 30 डिग्री है। तो वी कैन राइट 11 पाई बाई 6 इज इक्वल टू या 2 माइनस पाई बाई 6, क्योंकि वहाँ पे हमें जब जनरल सॉल्यूशन हमें निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में वाई जो है हमें एंगल थीटा जो है वो हमें लेना है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में उसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। और ये दोनों वैल्यू हमारी इस बीच में नहीं आ रही हैं तो इसलिए हम जो 11 पाई बाई 6 है इसको जो है हम माइनस पाई बाई 6 ले लेते हैं, तो ये हमारी फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया है, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए हमारे। अच्छा अब हमें निकालने हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ये हमारे पास थ्योरम मैंने आपको बताई थी साइन की, तो हम साइन की थ्योरम लगाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन है हमारा साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई या साइन थीटा, जो भी आप कहना चाहें, साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, ये होता है एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 एन और वाई, और वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास थ्योरम है, और इसमें वाई क्या है, जो वाई है वो वाई जो है बिलोंग होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, ये कंडीशन है वाई की। तो बस हम इसमें अब वैल्यू रख देते हैं वाई की और इसको कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 एन, और वाई है हमारा माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। ये हमने अभी वाई की जो वैल्यू लगाई है वाली निकाल के, 11 पाई बाई 6 को हम माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6, इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट में हमने इसको ले लिया, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करने का तरीका बताया, तो सारे स्टेप्स मैंने आपको समझाए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई नई स्टेप आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है या कहीं कोई किसी स्टेप को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें, ठीक है ना।
तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिखिए, तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वैसे तो अगर आप इसका बेसिक समझ गए हैं, तो बेसिक अगर समझने के बाद तो आप क्वेश्चन आराम से कर ही लेंगे, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या आपको हो सकता है मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपलोड्स जो है, नोटिफिकेशंस जो है, वो आपको उसी समय मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।